फास्ट अपनी साथे हूं जुबेदाता समाचारों की करिए शुरुआत। गुजरात औद्योगिक तकरार सुधारा विधेयक गृह में मंजूर। नवा औद्योगिक एकमों ने स्थापना तारीख की 1000 दिवस में शर्तों ने आधीन के शर्तों विना मुक्ति। लघुत्तम वेतन बोनस ग्रेच्युटी चुकवणी में कोई मुक्ति नहीं। कॉन्ट्राक्ट मजूर सुधारा विधेयक समय विधानसभा गृह में हंगामो। कांग्रेस धारासभ्य नौशाद सोलंकीए कर्यो हंगामो। डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल साथ शाब्दिक तकरार। नौशाद सोलंकीए पोतानो माइक गृह में फेंक्यो। विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने परेश धानाणी सहित कांग्रेस सभ्य नवजात सोलंकी मुद्दे रजूआत की। पूंजाभाई वंशी पुलिस खोटी रीते पूछपरछ करती हो रजूआत की। राज्य में रोजगारी की तक केवी रीते वधे। राज्य में उद्योगों ने कामदार माटे ने ते मुद्दे 4 सुधारा रजू कराया। कोई कामदार ने छूटो करवामां आवे तो ओछा में ओछा 3 महीना नोटिस आपवामां आवे। कॉन्ट्राक्ट मजूर गुजरात सुधारा विधेयक गृह में मंजूर। 20 मजूरो सुधी कॉन्ट्राक्टरे लायसेंस लेवानी जरूर नहीं पड़े। 50 थी वधु मजूरो धरावता कॉन्ट्राक्टरे लायसेंस लेव पड़े। समाधान कायदा माटे कराई जोगवाई। अंबाजी विस्तार विकास और यात्राधाम प्रवासन नियमन विधेयक 2020 अंतर्गत अंबाजी यात्राधाम प्रवासन सत्तामंडल की स्थापना कराशे। 11 सभ्यों सत्तामंडल की स्थापना कराशे। बनासकांठाना वावना धारासभ्य ज्ञानी बहन ठाकुरे महसूल मंत्री कौशिक पटेल ने लख्यो पत्र। वरसाद थी नुकसानग्रस्त खेडूतों ने सहाय आपवा पत्र लखायो। बदीरादा थी 3 तालुका में खोटो सर्वे कराया होवानो पण आरोप। हाईकोर्टना चुकाता बाद 10 बैठकनुं परिणाम थशे जाहेर। जारे खेडूत मंडळीनी 10 बैठकनुं परिणाम बाकी। मेहसाणा बहुचराजी पीएमसीनी 5 बैठक पर विठ्ठल पटेल जूथना उम्मीदवारनी जीत। पासाना कायदामां सुधारो करतुं विधेयक बहुमतीथी पसार। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंहे रजू कर्युं विधेयक तो पोंजी स्कीममां पण पासा एक्ट लागू कराशे। कांग्रेसना धारासभ्ये पूंजाभाईએ गृह राज्य प्रधान प्रदीपसिंह जाडेजाने फेंक्यो पड़कार। तेमनी सामेना आरोपनी राज्य सरकार द्वारा तपास करवानी मांग। विधानसभा में परेश धानाणीए उठाव्यो बेरोजगारी मुद्दों। कह्युं राज्य में बेरोजगार युवानों नौकरी माटे मारी रहा छे फांफा। जारे गृह विभाग में 81,000 पैकी 15,000 जेटली जग्याओ खाली। विधानसभा में उठ्यो स्प्रे होस्पिटल मामलो। विपक्ष द्वारा सीबीआई ने तपास सौंपवानी मांग। सूरत में जामीन नहीं मळता जारे अमदावाद में केवी रीते जामीन मळे ते प्रश्न। गांधीनगर में कृषि मंत्री आरसी फळदूनुं निवेदन। 20 जिला 123 तालुकाओं ने सहाय कराशे। आ साथ ज कह्युं कि जे विस्तार छूटी गया त्यां सर्वे कराशे। राज्य में 35-40% नुकसान। बाढ़ना साठंबा पुलिस मथके होबाड़ो। दूध मंडली विवाद मामले ग्रामजनों में आक्रोश। तो चांपलाव दूध मंडली में भ्रष्टाचार थया होवानों आरोप। महसाणा में 25 सप्टेम्बर रोज खेडूत संगठनों द्वारा अपायेल बंदना एलान ने ऊंचा मार्केटयार्ड व्यापारी एसोसिएशन टेको। एपीएमसी एक्ट सुधारा अध्यादेश विरोध में अपाय बंदन एलान। गांधीनगर में तड़ाजा खेडूत कपास लईने पहुंचो तो कपास खरीद में कौभाड थयुं होवाना आरोप लगवाया। सचिवालय में कपास नाखवानी बात करी। राजकोटना धोराजी पंथकना खेडूतोए सरकारे खेडूतों माटे जाहिर करेल पैकेज ने प्रसिद्धिनुं नाटक गणाव्युं। खेतर में हवन करी सरकार ने सद्बुद्धि मळे ते माटेनी रामधून बोलावी। राजकोटनी ऑरेंज होस्पिटल खाते होबाड़ो। 3 कलाक में दर्दीनुं मौत थता परिवारजनोए होबाड़ो मचाव्यो। दर्दी साथे वात कर्याने 3 कलाक बाद ज दर्दीनुं मौत। अमदावाद में भाजपना कोर्पोरेटर दिलीप बगरियानुं कारस्तान। गैरकायदे बांधकाम ने खुल्लुं समर्थन। नोटिस आपवा गयेल अधिकारी ने पण धमकी आपी। समग्र वीडियो वायरल। बेट द्वारका में सतत वीज धांधिया कोई उकेल न आता। पभुबा माणेके वैकल्पिक व्यवस्था माटे 8 जनरेटर मोकल्या। सतत 7 दिवस लोग त्रस्त। वीज पुरवठो पूर्ववत न थाय त्यां सुधी जनरेटर की मदद लेवाशे। अमदावादना निर्णयनगर में रीडेवलपमेंट स्कीम बबाल मामले 168 मकानों की स्कीम में 30 सभ्यों नोंधाव्यो विरोध। बिल्डर तथा अन्य लोग मकान में रहता होवा छता तोड़फोड़ करी होवानो आरोप। अमदावाद में कलेक्टर कचेरी नजीक पड़े भूवो। जागृत नागरिके एएमसी में रजूआत करी फरियाद करी। रजूआत करवा छता पण कोई कामगीरी नहीं। पोरबंदर में खाणीपीणीना रेकड़ी केबिन धारकोए बाइक रेली योजी। नगरपालिकाना वहीवटदार ने आवेदनपत्र आप्युं। पालिका द्वारा रेकड़ी धारकों ने हटावानी झूंबेश बंद राखी धंधो करवा देवा माटे रजूआत कराई। वहीवटदार पोरबंदर छाया संयुक्त नगरपालिका। दाहोद में जमीन संपादन में झालोद तालुकाना खेडूतों ने वर्तर न मळता रोष। झालोद कांग्रेसे खेडूतों ने साथे राखीने प्रांत अधिकारी ने आवेदनपत्र आप्युं। 28 सप्टेम्बर सुधी वर्तर नहीं तो हाईवे चक्काजामी चीमकी उच्चाराई। बनासकांठा में 1 वर्ष पहला दफनावायेलो मृतदेह बहार काढवामां आव्यो। मौतनुं कारण जाणवा पीएमनी मांग कराई। मामलतदार पोलीस तथा डॉक्टर ने साथे राखीने मृतदेह बहार काढ्यो। बनासकांठा में अनेक जगह पानी भराता नुकसान। डीसा और लाखणी अंदाजित 10 गामों में खेतरों उभ पाक नष्ट थयो। बनास जिला ने पैकेज में बाकात रखाता खेडूतों में भारे रोष।
बनासकांठा जिला ने पाक धोवाण सहाय में बाकात रखाता विरोध प्रदर्शन। डीसा तालुकाना खेडूतोए बेनर लईने विरोध प्रदर्शित कर्यो। बे महीनाथी पाणीथी भरेला खेतरो में बेनर लईने विरोध प्रदर्शन कर्यो। छोटाउदेपुर में नसवाड़ी तालुकाना धमस्या गामना खेडूतो टायर ट्यूबना सहारे लई पसार करे छे नदी। अश्विनी नदी किनारे 150 થી વધુ એકરની આવેલી છે જમીન। ખેડૂતોનો નદી પાર કરતો વિડિયો વાયરલ। राज्य सरकार द्वारा खेडूतों माटे जाहरात कराता साणंदना खेडूतो नाराज। साणंदमां 1 लाख हेक्टरमां नुकसान थयो होवानी रजूआत। कलेक्टर ने आवेदनपत्र आपी साणंदनो समावेश करवानी मांग। राजकोटनी जिला डेरीमां भ्रष्टाचार थयो होवाना किसान संघना डेरीना चेरमेन गोविंद राणपरिया पर आक्षेप। तो साथे जिलाना 594 गाम पैकी चेरमेनना सजडियाड़ी गामना 28 कर्मचारीओने मुख्य विभागमां भर्ती कर्यानो पण आक्षेप। गुजरात एकमात्र तमिल स्कूल बंद था 31 विद्यार्थियों भावि अधरताल। शाला तथा विद्यार्थियों ने वालीओ भेगा थी शिक्षण अधिकारी ने रजूआत करी। 9 वर्ष की ओछी उम्र बाळको होवा छतां चालती हती स्कूल। अमदावाद में एएमसी आरोग्य विभाग की कार्यवाही। शहर में मच्छरजन्य रोगचाळो अटकाववा लेवाया पगला। शहर में 409 होस्पिटल दवाखाना में चेकिंग हाथ धरायो। मच्छर ब्रीडिंग मिली आता 205 होस्पिटल ने नोटिस अपाई। आणंद में विद्यानगर में मोटा बजार 4 रस्ता पर फूड एंड ड्रग विभाग की कार्यवाही। हॉट एंड स्पाइसी खाणीपीणी की दुकान में मोटी मात्रा में अखाते जत्थो झड़पायो। नगरपालिकाए 5000 रूपया दंड फटकार्यो। अमदावाद में एएमसी आरोग्य विभाग नो दावो। शहर में वाहकजन्य रोगचाळा पर नियंत्रण। तो गत वर्ष की सरखामणीए केस में घटाड़ो। शहर में चालू महीना में मलेरिया 400, डेंग्यू 220 और चिकनगुनिया 107 केस। सरकार की विविध योजना थकी भावनगर बावड़ी गाम में विकासना कामों ने लईने आ गाम ने स्मार्ट विलेज दरज्जो आपवामां आव्यो। गाम में पाका रस्ता स्मार्ट शाला वगैरह सुविधाओं हाजर। अमदावाद एरपोर्ट पर मुसाफरो की अवरजवर में 7 गणो घटाड़ो थयो। अमदावाद की प्रत्येक फ्लाइट में सरेराश मात्र 73 मुसाफरो। कोरोना ने कारण फ्लाइट में मुसाफरो करवानुं प्रमाण हजू साधारण। अमदावाद में विधि बहाने सगीरा पर दुष्कर्म आचरनार तांत्रिक की धरपकड़। नदी पट में ले जाई सगीरा पर आचरू दुष्कर्म। निकोल पुलिस गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी। आणंद उमरेठ हाईवे पर क्रेन की आड़ में जत विदेशी दारू झड़पायो। 4.16 लाख मुद्दा माल कब्जे कर एलसीबीए दारू पकड़ी पाड़ो। कच्छना नाना पाड़ानी सीमा चाइना क्लेचोरी खास कर षड्यंत्र झड़पाय तो 2 शख्सों की अटकात कर लेवाय। खाण खनिज विभाग द्वारा वधु तपास हाथ धराशे। करोड़ों मुद्दा माल जप्त कर लेवायो। सूरत में वराछा में ओमकार ज्वेलर्स ने पचावी पाड़वा मामले मारामारी। दुकान खाली न करता माथाभारी लोगों माता पुत्र सहित मार मारो एसिड एटेक कर वराछा पुलिस गुनो नोधो। सूरत उद्योगपति दुर्लभ पटेल की आत्महत्या केस में आरोपी पीआई एलपी बोडाणा ने कराया सस्पेंड। पीआई बोडाणा ने जूनागढ़ ट्रेनिंग सेंटर में मुकाया तो अन्य 3 पुलिस कर्मचारियों की बदली कर दवाई। सूरत उद्योगपति की आत्महत्या केस में आरोपी पीआई की सस्पेंशन बाद बदली तो पीआई बोडाणा ने जूनागढ़ तो अन्य 3 पुलिसकर्मियों ने अमरेली सुरेन्द्रनगर और द्वारका में बदली कराई। जूनागढ़ में भियाण गाम में युवक साथ गुरु छेलाए करी छेतरपिंडी। मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी तालुका पुलिस जन्म में लीधो कब्जो तो संतान थवा माटेनी धार्मिक विधि करवानो जणावी आचरी हती छेतरपिंडी। अमदावाद में कृष्णनगर में ओरडाना मकान में चालतू हतु कूटणखानु। 3 मकान में 11 युवतियों साथ चालतो हतो देह व्यापार। राजू यादव नामनो शख्स चलावतो हतो कूटणखानु। हाल थयो फरार त्यारे पुलिसे हाथ धरी वधु कार्यवाही। सूरतना लालगेट विस्तार में आवेला अजीम पत्रवाड़ा तबीब की हत्या। तेमना दांतना दवाखाना में गळू कापीने हत्या करी देवाई। लालगेट पुलिस स्थल पर पहुंची वधु तपास हाथ धरी। गीर सोमनाथ ग्राम्य विस्तार में रस्त क्रॉस करते दीपड़ो कैमरा में कैद थयो। राहदारी मोबाइल में दीपड़ा ने कैद कर्यो। दीपड़ो देखाता लोग में भयनो माहौल। सूरतना कारचेलिया गामे थी दीपड़ो पांजरेपुर आयो। छेल्ला घणा समय थी दीपड़ा ने लई लोको मां हतो भयनो माहौल। वन विभागे गोठवेला पांजरामां दीपड़ो पुरायो। बनासकांठाना डीसामां गायत्री मंदिर पास क्रेन पलटी खाता अकस्मात। ओवरब्रिजना कामकाज समय अकस्मात सर्जायो। कोई जानहानि नहीं। अमदावादना सारवा रेलवे क्रॉसिंग ईदगाह पास हिट एंड रनी घटना जेमां 4 लोग इजाग्रस्त थता। एकनु घटनास्थल पर मौत। घायलों ने सारवार अर्थे सिविल होस्पिटल में खसेड़ाया। चालक नशा में होवानुं खुल्यु। नर्मदाना करजण नदी में 2 बाळकों डूबता एनडीआरएफ की टीम बोलावामां आवी। त्रीजा दिवसे पण हजु सुधी नथी लागे बाळकोनो कोई पत्तो तो बोट द्वारा पालिकाना तरवैयाओए करी शोधखोळ हाथ। राजकोटमां तूटेला रस्ताने लईने मेयरनुं निवेदन। कह्युं के ज्यां जरूर हशे त्यां नवा रस्ता बनशे। ज्यारे ज्यां रिपेर करवा पड़शे त्यां रिपेर करवामां आवशे। 33 करोड़ना राजकोटमां रस्ता बनावाशे। अमदावादना बावड़ा नजीक एमेजॉननुं फूलफिलमेंट सेंटर कार्यरत थयुं। एमेजॉन हवे देशभरना ग्राहकों माटे अमदावादथी माल करशे रवाना। 350 हेक्टरमां बनावामां आव्यो।
द्वारका में टापू पर हवे पूर्व मंजूरी विना नहीं लई शके अने नहीं जई थई शके अवर जवर। 21 टापू पर पूर्व मंजूरी विना प्रतिबंध लगावतु जाहेरनामु प्रसिद्ध करायु। 17/11/2020 सुधी अमल में रहेशे जाहेरनामु। द्वारका भाणवड में तंत्र द्वारा कराई डिमोलिशन की कामगीरी। भाणवड में मेन बायपास रोड पर हटावाया दबाण। गैरकायदे दुकानों तोड़ी दबाण दूर कर। भूज माधापर हाईवे पर खड़कायेला दबाणों ने तंत्रे दूर कर्या। अंदाजे 3 करोड़ ने 10,000 चौरस मीटर की जगह पर दबाण मुक्त करवामां आवी तो अत्यार सुधी में 42,000 चौरस मीटर जमीन दबाण मुक्त कराई। सरकारे खेडूतों माटे 3,750 करोड़ रूपयाना सहाय पेकेज की जाहरात करी। त्यारे राजकोट जिलाना 0.7 लाख खेडूतों ने आ सहाय पेकेज लाभ मळशे। जिलाना खेडूतों माटे सरकार द्वारा 270 करोड़ रूपया फाळवामां आवशे। कच्छ भूज में रखड़ता ढोर मुद्दे बे वधु फरियाद नोंधाई। अत्यार सुधी में नोंधाई चुकी है 17 फरियाद। रखड़ता ढोर जाहिर में मुकी देवा सामे कार्यवाही थवानी मांग तो 500 जेटला ढोर पांजरे पकड़ाया। कोरोना की स्थिति ने जोता हाईकोर्ट ना पुलिस ने स्पष्ट निर्देश। जो कोई आरोपी ने पुलिस 24 कलाक में रजू न कर सके तो आरटीपीसीआर टेस्ट करावानुं कारण आपशे तो चलावी नहीं लेवाय। आरोपी ने कोर्ट में रजू करता पहला आरटीपीसीआर टेस्ट ने बदले रेपिड टेस्ट करवानी परवानगी। जेने लईने पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलावानो भय ओछो थयो। बनासकांठाना पालनपुरना गढ़ग्राम पंचायतनुं 10 दिवसनुं लॉकडाउन। संक्रमण वधवाने कारणे 22 सप्टेम्बर थी 1 ऑक्टोबर सुधी लॉकडाउन जाहिर। दूध करियाणा अने मेडिकल सेवाओं तेमज लोकोनी अवरजवर बपोर 2 सुधी ज थई शकशे। दाहोदमां 50% ऑक्सिजन कोरोना दर्दियों माटे अनामत रखाशे। औद्योगिक एकमों ने 50% सुधीनो जत्थो पूरो पड़ाशे। जिला कलेक्टर विजय खराड़ीए बहार पाड्यो जाहेरनामुं। अमदावादमां एसटी बसमां वधारे पेसेंजर बेसता ड्राइवरे बसनो उपाड़ी। मुसाफरो सोशियल डिस्टन्सनुं पालन न करता ड्राइवरे बसनो उपाड़ी। जशोदानगर विस्तारमां खोटी थई बस। सूरतना गोपीपुरा विस्तार में उड़िया सोशियल डिस्टन्सिंग ना धजाकरा। बैंक ऑफ बड़ोड़ा की ब्रांच बाहर अरजदारों की लांबी कतारों। मास्क वगर जोवा मळ्या लोको। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 402 नवा केस नोंधाया। 16 लोकना मृत्यु थया। राज्य में कोरोना 1,26,169 केस। राज्य में कुल 3,355 दर्दियोंना मौत थया। अमदावाद में कोरोना 185 नवा केस नोंधाया। 3 दर्दियों थया मौत। अमदावाद में कोरोना कुल 35,304 केस। कुल 1,789 दर्दियों कोरोना की जीव गुमाव्या। सूरत जिला में कोरोना 298 नवा केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में 5 दर्दियों मृत्यु। सूरत में कुल 26,820 केस। 742 दर्दियों मौत। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में कोरोना 24 पॉजिटिव केस मिली आया। कर्मचारी में भयनु मोजू तो 4 मार्केट में 24 कर्मचारी रिपोर्ट पॉजिटिव। मार्केट में कोविड गाइडलाइन पालन न थतुं होवानुं सामे आव्युं। राजकोट में छेल्ला 24 कलाक में 150 नवा केस आया सामे। जिला में कोरोना कुल 8,029 केस। अत्यार सुधी में 126 दर्दियों मौत। राजकोट में कोरोना कहर यथावत। छेल्ला 24 कलाक में 17 दर्दियों मौत निपजा तो अंतिम निर्णय डेथ ऑडिट कमिटी करशे। वडोदरा में कोरोना 136 नवा केस नोंधाया। 3 दर्दियों मृत्यु थया। जिला में कोरोना की कुल 11,013 केस तो कुल 181 दर्दियों मृत्यु। डांग में कोरोना 2 नवा केस आया सामे। जिला में अत्यार सुधी में 88 कोरोना केस नोंधाया जे पैकी 18 एक्टिव केस। 70 दर्दियों साजा थता अपाई रजा। दाहोद जिला में वधु 10 कोरोना पॉजिटिव केस नोंधाया। दाहोद गरबाड़ा 3-3 केस। झालोद में 2 अने फतेहपुर में 1-1 केस नोंधाया। जिला में कोरोना आंक की बात करें तो 1,519 पर पहुंचो। खेड़ा महमदाबाद पूर्व धारासभ्य गौतम चौहान कोरोना रिपोर्ट आवे पॉजिटिव। शंकास्पद लक्षणों ने पगले करावे टेस्ट तो कपड़वंज धारासभ्य काड़ूसिंह दाभी हजू सारवार हेठ। अंबाजी मंदिर कर्मचारियों कराया कोरोना टेस्ट। रेपिड एंटीजन किट थी 25 जिला कर्मचारियों टेस्ट करावाया। एक महिला कर्मचारी रिपोर्ट पॉजिटिव। अंबाजी में 51 लोग कोरोना पॉजिटिव। समाचारों में आगळ वधीए ते पहेला रोकाईए ब्रेक माटे। न्यूज़ हेड कराई। अमदावाद ग्राम्य पुलिसे 4 शख्सों की अटकायत। सूरत में 1.31 करोड़ नो एमडी ड्रग्स झड़पायो। सलमान झवेरी पासे थी 1 करोड़ ड्रग्स जप्त करी लेवायो। साथ सलमान झवेरी विनय पटेल और संकेत अललिया की धरपकड़ करी लेवाई। जारे के ड्रग्स पेडलर नो मुंबई कनेक्शन होवानी आशंका। हवे हेन्डवॉश की आड़ में दारू वेपार। कारेली बाग विश्वकर्मा एस्टेट में गोडाउन में दरोड़ा पड़ते 1.29 लाख दारू जप्त। दमण थी लवात तो दारू। दाहोद झालोद मेलणिया देशी तमंचा साथ एक ने दाहोद एसओजी झड़पी पड़ो। वाहन चेकिंग दरमियान युवक तमंचा साथ पकड़ायो तो पुलिस गुनो नोधी तपास हाथ धरी। सूरत कापोद्रा विस्तार में हीरा चोरी मामलो केसरी चेकपोस्ट में
જ્યાં ચોરી કરનાર ત્રણ આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા. પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો. હવામાન વિભાગે આગામી બે દિવસ વરસાદની કરી આગાહી. ડાંગ, નવસારી, વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી, જ્યારે અમદાવાદ, આણંદ, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢમાં પણ વરસાદની આગાહી. સુરત શહેર વાગરામાં 2.5 ઇંચ વરસાદ, અમરેલી અને રાજુલામાં 3 ઇંચ વરસાદ, જ્યારે કે 22 તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધારે વરસાદ, 24 કલાકમાં 82 તાલુકામાં વરસાદ. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ પંથકમાં વરસાદથી વધી ખેડૂતોની ચિંતા. દીવમાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ. દીવના વાતાવરણમાં પ્રસરી ઠંડક. ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો. ભરૂચ શહેર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. પંચવતી ઉર્જા સેવાશ્રમ વિસ્તારમાં ભરાયા પાણી. પંચમહાલ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો. ગોગંબા સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ. ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો. નર્મદા ડેમના 10 દરવાજા 1.5 મીટર સુધી ખોલી દેવાય. 1,91,000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું. વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદાના 52 ગામોને એલર્ટ કરાયા. નર્મદા જિલ્લામાં સતત ધીમી ધારે વરસાદ. 5 તાલુકામાં અંદાજે 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ. લોકોને બફારાથી મળી રાહત. સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ. વરાછાના બોમ્બે માર્કેટ રોડ પર ગટરના ઢાંકણા ઊંચા થયા, તો બીજી તરફ વરસાદી પાણી રસ્તા ઉપર ભરાતા લોકોને પરેશાની. સુરતમાં મોડી રાત્રે ગાજવીજ સાથે વરસ્યો વરસાદ. છેલ્લા 24 કલાકમાં બારડોલીમાં 5 મિલીમીટર, તો 84માં 24 મિલીમીટર, કામરેજમાં 58, ઓલપાણામાં 41 મિલીમીટર, પલસાણામાં તેમજ મહુવામાં 21 મિલીમીટર વરસાદ ખાબક્યો. સુરતમાં વરસાદને કારણે સતત 3 દિવસથી તાપી નદી બે કાંઠે. ઉકાઈ ડેમમાંથી 1.09 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું. ઉકાઈ ડેમની જળસપાટી 344 ફૂટ નજીક પહોંચી. દાહોદ જિલ્લામાં વરસાદ. લીંબડી, સંજેલી અને ધાનપુરમાં વરસાદ. જિલ્લામાં છૂટોછવાયેલા વરસાદથી લોકોને ગરમીથી રાહત મળી. ભરૂચના નર્મદા નદીમાં પાણી છોડાયું. ભરૂચ પાસે સપાટી 18 ફૂટ પર પહોંચી, જ્યારે કે ભજનક સપાટી 22 ફૂટ. જૂનાગઢના રહેણાંક વિસ્તારોમાં વરસાદ, તો સાથે નાના હળમતિયામાં વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ઠેર ઠેર ભરાયા પાણી. ભરૂચમાં ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા. ટંકારિયા ગામે તળાવ ઓવરફ્લો થતા પાદર પાણી ભરાયા, તો સાથે 5 ગામોને મસ્જિદની ઓડીમાં પતરા ઉડી ગયા. કોઈ જાનહાનિ નહીં. સુરતમાં છૂટો છવાયેલો વરસાદ પડ્યો. ઓલપાડ, માંગરોળ, માંડવી, કામરેજ સહિતના તાલુકામાં વરસાદ, જ્યારે કે અનેક વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદી છાપતા. શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પડ્યો વરસાદ. ખાંભાના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી. ઉભા પાકને નુકસાન જવાની ભીતિ. અમરેલીના રાજુલા, જાફરાબાદમાં વીજળીના કડાકા સાથે ખાબકી વરસાદ. બાબરકોટ, નર્મદા સિમેન્ટ કંપની પર જોવા મળ્યા વીજળીના દ્રશ્યો, તો પીપાવાવ પોર્ટમાં વીજળીના લાઇવ દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા. અમરેલીના પીપાવાવ પોર્ટમાં ભારે પવન સાથે મુશળધાર વરસાદ. પીપાવાવ, કુવાયા, રામપરામાં વરસાદ, તો પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. અમરેલીના જાફરાબાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ. મોટા માણસાથી વાંકિયા તરફ જતા રોડ પર પાણી ફરી વળ્યા. રોડ પર પાણીને કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકી. અમરેલીના ધારી અને ગીર વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ. સુખપુરમાં 3 થી 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો. ભારે પવન સાથે વરસાદને કારણે ખેડૂતોને પાક નુકસાનીની ભીતિ. અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો. લાઠી, રાજુલા તથા જાફરાબાદ પંથકમાં વરસાદ. વરસાદને કારણે સ્થાનિકોને બફારાથી મળી રાહત. અમરેલીના ધારીના ગીરકાંઠા વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ. ભારે વરસાદથી મગફળીના તૈયાર થયેલા પાકને વ્યાપક નુકસાન. સ્થાનિક નદીઓમાં ઘોડાપૂર. છોટાઉદેપુરના બોડેલી, પાવી, જેતપુર અને નસપાડીમાં ભારે વરસાદ. ખેડૂતોને તૈયાર થયેલો પાક નુકસાન થવાની ભીતિ. ગીર સોમનાથના ઉનાના ગીર આસપાસના ગામોમાં વરસાદ. વીજળીના આકાશી દ્રશ્યો કેદ થયા મોબાઈલ કેમેરામાં. શણાવાંકિયા, નારિયેળી મૂડી, કાકડી મૂડી, નાના સંઢિયાળા, સોરાલી મૂડી સહિતના ગામોમાં મુશળધાર વરસાદ. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના શણાવાંકિયાથી વેરાવળ સુધી વરસાદ. ઉના, કોડીનાર, સુત્રાપાડા સહિતના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ. ગીર સોમનાથના તાલાલા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ. વેરાવળ, કોડીનાર, ઉના, સુત્રાપાડામાં સાંબેલાધાર વરસાદ. મહુવા અને જેસરમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસ્યો વરસાદ. મુશળધાર વરસાદને કારણે ખેડૂતોને મોટા પાયે પાક નુકસાન જવાનો વારો આવ્યો. ભાવનગર શહેર અને પંથકમાં મોડી રાત્રે વરસાદ. વીજળીના કડાકા સાથે ભારે પવન પણ ફૂંકાયો, તો મુશળધાર વરસાદને કારણે ખેડૂતો પરેશાન. પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાનની ભીતિ. મુંબઈના પિંપો ક્લિફ સ્ટેશને ભરાઈ ગયા પાણી. ભારે વરસાદથી પાણી ભરાતા ટ્રેન સેવાને ભારે અસર પહોંચી. મુંબઈમાં પડી રહેલા વરસાદને કારણે વાહન વ્યવહાર સેવાને અસર પહોંચી. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા ટ્રેન સેવા પણ અસરગ્રસ્ત. મુંબઈના જંબુ, લોખંડવાલા, અંધેરીમાં ભરાયા પાણી. સેન્ટ્રલ મુંબઈની લોકલ ટ્રેન સેવા બંધ, તો મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે લોકોને હાલાકી. મુંબઈમાં રાતથી વરસાદી કહેર. એશિયાના સૌથી મોટા ગોલ્ડ માર્કેટ જવેરી બજારમાં સોનાની દુકાનોમાં પણ ભરાયા પાણી.
मुंबई में भारी वरसाद के पगले नायर हॉस्पिटल में पानी भराया, दर्दियों ने भारी हालाकी, लोग नहीं कर सकता अवर जवर। मुंबई में भारी वरसाद ने कारण लोगों घरों में पानी भराया, वली विस्तार में लोगों मकानों में घुसया वरसाद पानी। मुंबई ना थाने में भारी वरसाद ने कारण हिंदमाता, चेंबूर, दहिसर, अंधेरी, मलाड सबवे में भराई गया पानी, जारे किंग सर्कल पासे वरसाद वच्चे केबल में आग लगवानी घटना। टाइम मेगेजीने जाहिर कर्यु विश्वना सौथी वधु 100 जेटला प्रभावशाळीना नामनी यादी, प्रधानमंत्री मोदी नुं नाम पण यादी में शामिल। कोरोना की स्थिति अंगे पीएम मोदी योजशे बैठक, 7 राज्यों मुख्यमंत्रियों साथे पीएम मोदी करशे चर्चा। बिहारना डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे स्वैच्छिक निवृत्ति लीधी, जेवो एनडीएना उम्मीदवार तरीके बक्सर बैठक पर चूंटणी लड़ी शके छे, पांडे अगाउ पण आप्या हता राजकारण में प्रवेशना संकेत। रिलायंस रिटेल ने वधु एक मोटी सफलता, 5,550 करोड़ रोकाण करशे अमेरिकी कंपनी केकेआर, अगाउ जियो में पण करी चूकी छे 11,000 करोड़ थी वधुनु रोकाण। रिया चक्रवर्ती की ज्युडिशियल कस्टडी लंबावाई, 6 ऑक्टोबर सुधी जेल में रहू पड़े, जामीन अरजी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में टड़ी सुनावी, आती हाथ धराशे बधु सुनावी। ड्रग्स केस की तपास में दीपिका पादुकोण और साथ नम्रता सुरोडकर बाद हवे दिया मिर्जा पर एनसीबी रडार पर, एनसीबी जल्दी ज श्रद्धा ने सारा अली खान ने मोकलशे पूछपरछ माटे समन्स। अभिनेत्री पायल घोषे मुंबई वसोवा में अनुराग कश्यप विरुद्ध नोधावी फरियाद, फिल्म निर्देशक अनुराग पर यौन शोषण लगवा आरोप। कृषि ने लगत तीजू बिल राज्यसभा में थू पास, विपक्ष बहिष्कार वच्चे तीजू बिल पास। भारत चीनी छठी कोर कमांडर स्तर की बैठक में केटली बाबतों पर बनी सहमति, मोर्चा पर वधु सैनिकों मोकलवा रोकवा और कम्युनिकेशन मजबूत करने पर बातचीत। एनसीबी सूत्रों मुजब पाकिस्तान की मुंबई सप्लाई थाय कोकेन, एजेंसीओ की मदद की ड्रग्स साथ जोड़ाये तार जेने शोधवा कोशिश। राज्यसभा में विदेश मंत्रालय जानकारी आपी कि वर्ष 2015 थी अत्यार सुधी में प्रधानमंत्री 58 देशों कराया प्रवास, जेमां लगभग 518 करोड़ रूपया खर्च थयो। शरद पवार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंटे नोटिस जाहिर करी, गत चूंटणी में दाखिल करायेल हलफनामा की जानकारी मांगी, जवाब न आपवा पर पवारे प्रतिदिन 10,000 दंड भरवो पड़शे। खेडूतों माटे फरी एक बार एलान, मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष में बीजी बार 2,000 रूपया खेडूतों ने आपवानो एलान कर्यो। फेसबुके सुप्रीम कोर्ट में एक अरजी दाखिल करी, दिल्ली हिंसा मामले विधानसभा कमिटीए मोकले नोटिस ने पड़कारी, जे अंगे आज थई शके छे सुनावणी। मॉडल पूनम पांडे की फरियाद बाद तेना पति की गोवा में धरपकड़ कर लेवाई, हाल में पूनम पांडे लग्न कराया था, लग्न टूंक समय में तेना पति विरुद्ध मारपीट आरोप लगवा। देश में कोरोना कुल केस की संख्या 56,46,010 थी, छेल्ला 24 कलाक में 83,347 केस नोंधाया, तो 1,085 लोगों ना मौत थया, देश में कुल 90,020 लोग मौते थे। विश्व में कोरोना वायरस 3,70,71,000 थी वधु केस, 9,75,000 थी वधु लोगों ना मौत, 2,33,00,000 लोग स्वस्थ थया। अमेरिका में कोरोना 70,97,000 थी वधु केस, 2,05,000 लोगों ना मौत, 43,46,100 थी वधु लोग स्वस्थ थया। ब्राजील में कोरोना 45,95,000 थी वधु केस दाखल थया, 1,38,000 थी वधु लोगों ना मौत, 39,45,000 थी वधु लोगों कोरोना ने मात आपी। रशिया में कोरोना वायरस 11,15,000 केस, तो 19,649 थी वधु लोगों ना मौत, 9,17,940 थी वधु लोग साजा थया। जापान सरकार लग्न करवा वाला जोड़ाओं ने 6,00,000 येन एटले के 4,00,000 रूपया की मदद आपवानो एलान कर्यो, जेथी त्यां तेजीथी गगड़ता जन्मदर पर काबू मेळवी शकाय। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासाए 2024 में चंद्र पर एक महिला और एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री मोकलवानो एलान कर्यो, आ पहली बार थयो ज्यारे नासाए मिशन मून में महिला यात्री ने शामिल करी होय। आ साथे ज बुलेटिन में अत्यारे बस आटलुं ज, नमस्कार।